मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 के अंदर बाउंड्रीज। पिछले ट्यूटोरियल में हमने तीन बाउंड्रीज के बारे में देखा था, वो थी कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट कन्वर्जन एंड सिलेक्टेड सर्किट। आज हम करने वाले हैं बुलियन ऑपरेशन और यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाले ट्यूटोरियल नहीं देख रखे पावर मिल के बाउंड्रीज के, तो देख लेने हैं, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर मिल के लिए। और 70-80% टूल पाथ्स के अंदर हमारे को बाउंड्री की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वीडियो ध्यान से देखनी है। वीडियो देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि साथ साथ कंप्यूटर ऑन कर लो, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करोगे तो इजीली समझ में आएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और एक मॉडल लेके आते हैं शुरू से समझने के लिए कि हम बुलियन ऑपरेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप मुझे मैसेज करो या ईमेल कर दो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको जो है मॉडल जो है शेयर कर दूंगा। तो बाउंड्री के लिए हम एक मॉडल उठा लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है यही लेना है, बट हम कोई भी मॉडल ले सकते हैं। तो ये हमारे पास मॉडल है एक, जिसके ऊपर हम बाउंड्री का ऑपरेशन देखेंगे कि बुलियन का ऑपरेशन कैसे होता है। बट सबसे पहले हमारे को जेड की डायरेक्शन ट्रिक हमेशा करनी चाहिए, कि जेड की डायरेक्शन हमारी टी होगी तो हम इजीली मॉडल पे काम कर पाएंगे। तो हम जाते हैं मॉडल के अंदर और इसकी इसको रोटेट कर देते हैं एक्स की डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब मेरा जो है जेड जो है ऊपर वाली साइड हो गया। और हमने एक पीछे टूल पाथ बाउंड्री बनाई थी विद द हेल्प ऑफ सिलोटेक। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो अप्लाई करने से पहले मुझे दो चीज़ें ज़रूर देनी है, एक तो मुझे ब्लॉक ज़रूर देना है और एक मुझे टूल ज़रूर देना है कि कौन से टूल के लिए हम बाउंड्री बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जी 10 mm का टूल है, ओके अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो इसकी बाउंड्री कैसी बनी, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका शेड कर देते हैं चेंज और मॉडल कर देते हैं। तो देखो ये कुछ इस तरीके से बाउंड्री बनी है। ठीक है, तो ये हमारी बाउंड्री बन गई। अब प्रॉब्लम क्या थी इस बाउंड्री में, बाउंड्री में प्रॉब्लम ये थी कि हमारे को मान लो कहीं जगह क्लैंप लगाना पड़ सकता है, या हम नहीं चाहते ये छोटा सा एरिया में बाउंड्री बने, है ना। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए, या हम इस पूरे एरिया को एक बाउंड्री में इंक्लूड करना चाहते हैं या एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और बाउंड्री बनाएंगे यूज़र डिफाइंड के साथ। यूज़र डिफाइंड में हमारे पास स्केच भी है, कॉम्पोजिट कर्व भी है, तो हम स्केच की ऑप्शन ले लेते हैं और टॉप व्यू करके एक बाउंड्री बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। तो मैंने यहाँ से एक बाउंड्री बना ली, ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, आप ध्यान से बनाना आपको सही लगेगी। तो यहाँ पे मैंने एक बाउंड्री और बना ली। अब मेरे पास दो बाउंड्री हैं, एक बाउंड्री कौन सी है, एक बाउंड्री है हमारी शलोटे वाली और एक बाउंड्री मैंने अभी बनाई है। तो हम क्या चाहते हैं, हम इन दोनों को बुलियन करना चाहते हैं, तो हम बाउंड्री में जाएंगे, क्रिएट बाउंड्री करेंगे, बुलियन ऑपरेशन। तो ये हमारे से पूछ रहा है दो बाउंड्रीज, ए बाउंड्री एंड बी बाउंड्री। ए बाउंड्री में हम अपनी शिलोटे वाले ले लेंगे, बी बाउंड्री में हम अपनी रेक्टेंगुलर वाली ले लेंगे। अब आपको करना क्या है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, मैं कह रही मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है। अप्लाई करेंगे तो सेकंड नंबर जो है फर्स्ट वाली में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको कर दूँ हाइड और मॉडल को भी कर दूँ हाइड, तो ये देखो उसने ये जो बाउंड्री है ये पहले कुछ इस तरीके से थी, अब हमने अपना एक रेक्टेंगल बनाया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपस में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गए। अब यही चीज़ हम यूज़र डिफाइंड में जाके कर्व एडिटर में जाके भी कर सकते थे, बट ये काम करना यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक यूज़र डिफाइंड में गया मैं और मैंने एक स्केच तैयार किया ऑन द टॉप कि मुझे ये जो पोर्शन है यहाँ पे सर्कल बना दिया,
ठीक है, और एक्सेप्ट कर दिए। तो अब यानी मेरी चार नंबर बाउंड्री में सर्कल, देखो सर्कल नीचे बना, ठीक है। तो जब हम पॉइंट पिक करते हैं तो ध्यान रखना है कि पॉइंट कहाँ बन रहा है। तो चलो नीचे भी बन रहा है तो भी अच्छी बात है, हम तो सीखने के लिए बना रहे हैं तो हमारे को ईजी रहेगा। अब मैं तीन और चार का एडिशन करता हूँ, ठीक है। तो मैं मॉडल को कर देता हूँ हाइट ताकि ईजीली समझ में आए क्या हुआ। तो ये सर्कल मेरा नीचे बना हुआ है, बाउंड्री मेरी ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जाएंगे बाउंड्री के अंदर, बुलियन ऑपरेशन में गए, तो एक हमारी चार नंबर बाउंड्री है ए वाली, और पांच नंबर बाउंड्री है, सॉरी तीन नंबर बाउंड्री थी हमारी, और जिसमें मुझे ऐड करना है चार नंबर को, तीन नंबर में चार नंबर को ऐड करना है। तो एडिशन कर लेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये देखो एक नई बाउंड्री बन गई हमारी, और वो ऑटोमेटिकली नीचे भी चली गई और उसने उसको एडिशन भी कर लिया। तो ये बहुत काम की चीज़ है हमारे लिए। तो कहीं पे अगर मुझे क्लैंपिंग करनी है या कुछ ऐसा चीज़ करनी है जिसमें मैं नहीं चाहता मेरा टूल वहाँ पे जाए, तो या हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे जाना चाहते हैं क्योंकि मेरा टूल यहाँ पे बाहर निकलेगा तो मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना बाउंड्री जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको अलग अलग जगह पे आप यूज़ करके देख सकते हो अलग अलग मॉडल्स के ऊपर, ताकि इजीली समझ जाए कि हम बाउंड्री कैसे बना रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना है, जैसे बाउंड्री का ही कलर चेंज करना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे हमारे पास कलर की ऑप्शन आती है। बाउंड्री में कलर की ऑप्शन जैसे आती है, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, हम कर्व एडिटर में जाके भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कलर करना, बेसिकली मॉडल को भी चेंज कर सकते हैं, हम मॉडल का कलर चेंज कर सकते हैं, तो हमारे को ईजीली नज़र आने वाला, ठीक है। तो बेसिकली मकसद हमारा है कि बाउंड्री कैसे बनती है, तो ईजीली हमारे को समझ में आ गया कि यूज़र डिफाइंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बुलियन ऑपरेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना, और हमारी शेल ऑटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और जो लोग भी पावर में सीखना चाहते हैं सबके साथ प्लेलिस्ट को शेयर करना, ताकि इजीली सब लोग पावर में सीख सकें, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसकी वीडियो में उस टॉपिक को सॉल्व करने की।